Welcome you all in your subject science. Okay, I think have you seen all videos of textbook of chapter? Okay, agar aapne chapter ke sab videos dekh liye hain to then I think you are ready to fill up this exercise. Okay, chalo let's start workbook solution. तो अगर चैप्टर समझ लिया है तो आप फटाफट मेरे साथ आंसर देते जाएंगे, ओके? और आप समझना कि आप एग्जाम देने के लिए बैठे हैं. विथ विच थिंग इज अ पक्का हाउस मेड? पक्का हाउस किस चीज़ों से बनता है? मर्ड, थैच, ब्रांचेस, सीमेंट, सैंड, आयरन, काउडंग, टाइल्स, बैम्बूस, कि स्टोन, मर्ड, काउडंग. तो ऑब्वियस सीमेंट, सैंड एंड आयरन. ओके, तो बी इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट, व्हाट डू पीपल यूज टू एंटर देयर हाउस इन आसाम वेयर देयर इज हैवी रेनफॉल? जब आसाम में हैवी रेनफॉल होता है तो सब अपने घरों पे कैसे जाते हैं, तो क्या यूज करते हैं? स्टेप्स, रॉप, लैडर की टेबल. तो आपने देखा था राइट, तो क्या यूज करते हैं? लैडर, राइट. चलो, व्हाट इज द बिल्डिंग इन विच मेनी फैमिलीज कैन स्टे ऑन डिफरेंट फ्लोर्स नॉन एज? बराबर, जब अलग अलग फ्लोर्स होते हैं बिल्डिंग में तो उसे क्या कहते हैं? अ बंगलो, अ मल्टी स्टोरी बिल्डिंग, अ विगवाम की एन इग्लू. तो क्या कहते हैं उसे? मल्टी स्टोरी बिल्डिंग. बराबर, मल्टी स्टोरी मतलब बहुमाले की एक मकान, बहुमाले वाला. ओके, चलो, व्हाट इज द लोअर मोस्ट पोर्शन ऑफ बिल्डिंग नोन एज? ओके, और उसमें जो लोअर मोस्ट होता है बराबर, तो उसे क्या कहते हैं? अ ग्राउंड फ्लोर, द वॉल, द रूफ, द टेरेस. देखो, कुछ जो स्टूडेंट्स अपार्टमेंट में रहते हैं उनको पता ही होगा कि जो नीचे का पार्ट है उसे क्या बोलते हैं, तो दैट इज कॉल्ड ग्राउंड फ्लोर. बराबर, द ग्राउंड फ्लोर. चलो, व्हाट इज द हाउस बिल्ट ऑन बोट ऑन द लेक नॉन एज? ओके, तो जो लेक के पास हाउस बनाया गया है, ओके, ऑन द बोट, बोट के ऊपर बनाया हुआ लेक में, तो उस हाउस को क्या बोलते हैं? विगवाम, ए हॉट, ए हाउस बोट की बंगलो. यस, हाउस बोट, राइट. चलो, और यहाँ पे टिक करने की जरूरत है बच्चों? चलो करते जाते, इट्स ओके, वरना आप बोलोगे कि मैम याद नहीं रहता है. बराबर, यहाँ पे लेटर, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग, ग्राउंड फ्लोर. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द हाउस बिल्ट ऑन अ बोट ऑन द लेक? हाउस तो हमने देख लिया, हाउस बोट. बराबर, नेक्स्ट, ऑफ व्हाट आर वॉल्स ऑफ कच्चा हाउस मेड? कच्चा हाउस होता है उसकी वॉल किससे बनी होती है? ब्रिक्स, सीमेंट, ब्रांचेस, लीव्स, बैम्बू, वुड की काउडंग, मड. तो सिंपल, काउडंग एंड मड. बराबर, चलो, इन विच इंडियन स्टेट डज इट रेन फॉर मोस्ट ऑफ द डेज इन अ ईयर? बराबर, इंडिया के कौन से स्टेट में ज़्यादा बारिश होती रहती है, मतलब पूरे साल जब देखो तो बारिश होती रहती है, मतलब मोस्ट ऑफ टाइम? तो गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश की आसाम. बराबर, तो इन आसाम. बराबर, तो ये नीचे करना पड़ेगा, सॉरी, तो हियर आसाम. ओके, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर. व्हाट इज एन इग्लू? इग्लू क्या है? ड्रिंक ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, अ रीजन ऑफ एस्किमोस, ए हाउस मेड ऑफ आइस, ही ए लेक. यस, चलो, इग्लू क्या है? इग्लू इज अ वन काइंड ऑफ हाउस दैट इज मेड अप ऑफ आइस.
मेरिट बराबर आइस से बना हुआ एक घर है दैट इज कॉल्ड इग्लू। तो चलो यहाँ पे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हो गया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन फिल इन द ब्लैंक्स। द पीपल इन कच्चा बिल्ड हाउसेस कॉल्ड ब्लैंक टू प्रोटेक्ट देमसेल्व्स फ्रॉम हीट कॉल्ड एंड रेन। बराबर तो जो जहाँ पे कच्चा हाउस जो बना हुआ होता है बराबर तो वो उसे क्या बोलते हैं। कच्छ में जो हाउस जो उनको प्रोटेक्ट करता है छोटे छोटे हाउस हमने देखे थे याद है। दैट इज कॉल्ड भूंगा। ओके इन एरिया ऑफ हेवी रेनफॉल हाउसेज आर बिल्ड फ्रॉम जो एरियाज होते हैं जहाँ पे बहुत बारिश होती है तो उनके हाउस किसके ऊपर बनाए जाते हैं। बराबर याद है ना वुड के जो पिलर्स थे बराबर उसके ऊपर बनाए जाते हैं। ओके नेक्स्ट अ स्नो हाउस इज नोन एज द अभी हमने देखा स्नो हाउस को क्या बोलते हैं इट इज कॉल्ड इग्लू। ओके नाउ ओपन नेक्स्ट पेज। द कश्मीरी ड्रिंक विच हैज आलमंड एंड कार्डमम इज नोन एज बच्चों ने आलमंड और कार्डमम वाला एक ड्रिंक पिया था क्या था उसका नाम कावा राइट। द चिल्ड्रन वेंट फॉर पिकनिक ऑन ब्लैंक लेक श्रीनगर। श्रीनगर के कौन से लेक पे वो गए थे शाम को याद करो। यस दाल लेक। ओके नेक्स्ट द रूफ ऑफ हाउसेस वेयर देयर इज हेवी रेनफॉल आर ब्लैंक जहाँ पे हेवी रेनफॉल होते हैं उनके घर के रूफ कैसे होते हैं स्लॉपिंग रूफ। ओके ए हाउस वाज ग्राउंड फ्लोर एंड वॉल्स फॉर मेड ऑफ मड और काउ डंग इज नोन एज ब्लैंक हाउस। चलो एक ऐसा घर है ग्राउंड फ्लोर पे है और मड और काउ डंग से बना हुआ है बराबर तो उससे क्या कहेंगे हम कच्चा हाउस राइट। चलो नेक्स्ट द नंबर ऑफ कच्चा हाउसेस इज मोर इन सिटीज। सिटीज में ज़्यादातर कच्चे घर ही होते हैं। नो दैट इज फॉल्स। ओके रॉन्ग है ना सिटी में तो पक्का हाउसेस ज़्यादा होते हैं बराबर। नेक्स्ट द रूफ ऑफ पक्का हाउस इज मेड ऑफ आयरन और सीमेंट। पक्का हाउस आयरन और सीमेंट से बनते हैं यस ट्रू पता है हमारे घर कैसे बने हैं आयरन और सीमेंट से राइट। कश्मीरी पीपल स्टे इन हाउस मेड फ्रॉम आइस नोन एज इग्लूज बराबर तो कश्मीरी लोग जो अपने घर पे रहते हैं बराबर जो आइस से बने होते हैं उसे इग्लूज कहते हैं मतलब कश्मीरी पीपल सब आइस में नहीं रहते हैं बराबर जो मतलब हाँ आइस वाले घर को इग्लू बोलते हैं पर ये कश्मीरी पीपल सब जो हाउसेस में रहते हैं सब ऐसे घर पे नहीं रहते हैं एस्किमोज होते हैं ना वो रहते हैं राइट तो दैट इज द फॉल्स सब कश्मीरी लोग इग्लूज में नहीं रहते हैं। ओके चलो अ बोट विथ अ हाउस मेड ऑन इट्स ओन नोन एज द हाउस बोट। यस जो हाउस बोट के ऊपर बना है उसे हाउस बोट कहते हैं तो दैट इज ट्रू। ओके पीपल लिव इन टेरेस्ड हाउस इन एरियाज ऑफ हेवी रेनफॉल जहाँ पे हेवी रेनफॉल होता है उनके घर टेरेस वाले होते हैं मतलब कि ऊपर फ्लैट रूफ होता है। इज इट ट्रू नो जहाँ हेवी रेनफॉल होता है और स्नोफॉल होता है वहाँ के घर ज़्यादातर उनके जो रूफ्स होते हैं वो स्लॉपिंग होते हैं बराबर तो इनके टेरेस हाउसेस नहीं होते तो दैट इज फॉल्स। ओके देर आर मोर देन फाइव स्टोरी इन अ मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स। मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में
पांच माले से ज्यादा माले होते हैं। यस दैट इज ट्रू, इसलिए उसे मल्टी स्टोरी बिल्डिंग कहते हैं, राइट? जैसे हम लोग अपार्टमेंट बोलते हैं, बराबर? पर जो मेगा सिटीज होते हैं वहाँ पे बहुत ज्यादा माले होते हैं, 30 30 40 40 माले, ओके? और उससे भी ज्यादा। चलो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग। स्नो हाउस, ड्रिंक ऑफ कश्मीर, दाल लेक, अ बिल्डिंग विथ मल्टी स्टोरे। और यहाँ पे जो वर्ड्स है देखो, मल्टी स्टोरे बिल्डिंग, विगवैम, कावा, इग्लू, शिकारा, बराबर? चलो पहला है स्नो हाउस। स्नो हाउस को क्या कहते हैं? इग्लू, बराबर? तो हमें तो बीच में आंसर लिखना है, तो हम अभी आपको समझाने के लिए मैच करते हैं, बराबर? बाकी हमें यहाँ पे आंसर लिखना है वन, और उसके साथ डी आएगा वो, अंडरस्टैंड? चल फिर, ड्रिंक ऑफ कश्मीर क्या है? कहवा, ओके? तो दैट इज कॉल्ड सी। दाल लेक, ओके? तो दाल लेक में क्या होता है? शिकारा, बराबर ना? अ बिल्डिंग विथ मेनी स्टोरे, एक से ज्यादा माले वाला बिल्डिंग, तो उसे क्या कहते हैं? मल्टी स्टोरे बिल्डिंग, ओके? चलो तो ये हो गया हमारा मैच द फॉलोइंग। नाउ ओपन नेक्स्ट पेज। चलो फिर से लुक एट द पिक्चर एंड मैच देम करेक्टली, ओके? और बाजू में जो बॉक्स है उसमें से ये जो घर है उसमें आपको जो पसंद है वैसा आप बाजू में ड्रॉ कर सकते हैं, कोई भी बॉक्स में, बराबर? आपके पास 6 ऑप्शन है, उसमें से कोई भी एक सेलेक्ट करके कर सकते हैं। चलो तो ये एक्सरसाइज तो हमने ऑलरेडी की है, तो आप फटाफट मेरे साथ आंसर देते जाएंगे। चलो वन के साथ क्या मैच होगा? सामने ए बी सी डी है, ओके? तो इग्लू, कहाँ पे इग्लू लिखा हुआ है? बी, तो वन के साथ आएगा बी, बराबर? नीचे ऑप्शन बोलते जाना है आपको। सेकंड है हाउस बोट, तो कहाँ लिखा है हाउस बोट? ई, तो टू के साथ आएगा ई। थर्ड है मल्टी स्टोरे बिल्डिंग, तो एफ, ओके? थर्ड के साथ आएगा एफ। फोर्थ है टेंट, ओके? यस, टेंट जो क्लॉथ से और कैनवास से बना हुआ होता है, सी, बराबर? दैट इज ऑल्सो कच्चा हाउस, मतलब टेम्पररी हाउस कहते हैं उसे। फिफ्थ हट, ओके? तो ए। एंड द लास्ट वन सिक्स इज भूंगा, तो कहाँ लिखा हुआ है भूंगा? डी, बराबर? चलो ये हो गया। देखो विगवैम मतलब कि जो ऊपर जो सब डाला हुआ है ना घास फूस, उससे बना हुआ होता है और उसका शेप ही ऐसा होता है, इसलिए उसे भूंगा बोलते हैं। चलो नाउ ओपन नेक्स्ट पेज। यस, चलो ये एक्सरसाइज भी हमने टेक्स्ट बुक में की हुई है, तो फटाफट मेरे साथ आंसर बोलो। पुट द टिक ऑन द नेम्स ऑफ थिंग्स विच योर हाउस इज मेड ऑफ। चलो आपके घर इसमें से कौन से मटेरियल से बने हुए हैं, बराबर? तो हमने ऑलरेडी ये टेक्स्ट बुक में किया था, बराबर? चलो करते हैं फिर से। कहाँ पे करेंगे फटाफट बोलते जाऊँ? ग्रास, डंग करना है, वुड में यस, सीमेंट यस, ओके? कैनवास नो, आयरन यस, प्लास्टिक, प्लास्टिक के कुछ ने बोला था कि किसी के घर पे डोर्स वगैरह प्लास्टिक के होते हैं, बराबर? तो वो करते हैं। बाकी मोस्ट ऑफ स्टोन या वुड होते हैं, बराबर? ब्रिक्स, बराबर? बैम्बू नहीं है, ग्लास होते हैं और स्टोन्स भी होते हैं, राइट? चलो ये एक्सरसाइज हो गया। नाउ नेक्स्ट, देखो लुक एट द पिक्चर ऑफ, देखो ये तो फर्स्ट स्टैंडर्ड वाला वर्क है, आप अपने आप कर सकते हो, आपने बहुत बार ऐसे किया हुआ है। वेरियस पार्ट्स ऑफ हाउस गिवन बिलो, मैच द नेम ऑफ रूम
given below and their picture and write them. ओके जो अंडरनेथ मतलब पिक्चर के नीचे जो ब्रैकेट है बराबर वहाँ पे आपको नेम राइट करना है पार्ट्स ऑफ हाउस. तो आप बोल सकते हैं कौन सा किचन है, बाथरूम, ड्राइंग रूम, डाइनिंग रूम, बेडरूम. ओके चलो आपके लिए तो बहुत इजी टास्क है ये. तो फर्स्ट क्या है बराबर बेडरूम. ओके सेकंड क्या है बाथरूम, किचन, डाइनिंग रूम और लास्ट ड्राइंग रूम. ओके चलो ये तो बहुत इजी वर्क था. मज़ा आया बच्चों? तो आज के लिए यहाँ तक रखते हैं. थैंक यू.